आदाब, केपीएनएस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। ये सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मनाकिली ग्राम में बीजेपी कार्यालय में केएसआईआईडीसी के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदारे ने भाजपा विधि समिति की बैठक का किया उद्घाटन। भालकी विधानसभा क्षेत्र के अतरगा गांव के लगभग 40 परिवारों के कई भाजपा नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी ने सचिवालय को गंदा किया, सत्ता में आने पर गौमूत्र से सफाई करेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिव कुमार ने ये बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में हाई प्रोफाइल ड्रामा। कैंपस में रात को बत्ती गुल, पत्थरबाजी। लखनऊ में गिरी बहुमंजिला इमारत मामले में जांच समिति गठित, बिल्डर पर मुकदमे का दिया गया आदेश। सफेद चादर से ढका हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति, लगातार दूसरे दिन हो रही है बर्फबारी। अब समाचार विस्तार से। मनाकिली ग्राम के बाहरी इलाके में स्थित बीजेपी कार्यालय में केएसआईआईडीसी के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदारे ने भाजपा विधि समिति की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अच्छा काम करने वालों को अच्छे पद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि अधिकांश वकीलों को पार्टी में मंत्री पद और दूसरे पद दिए गए हैं। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि कानूनी मामलों के अलावा समाज के महत्वपूर्ण कार्यों को भी समाज के बीच लगातार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के संशोधित कानूनों से लोगों को अवगत कराया जाए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानंद मंढालकर, गुरुनाथ जांथीकर, के भद्र शेट्टी, बी कृष्णप्पा, राजा रेड्डी, चंद्रैया स्वामी, चन्नप्पा गौरा शेट्टी, शिवराज खेमा शेट्टी और अन्य वकील उपस्थित थे। चिडगुप्पा से केपी न्यूज का संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। भालकी विधानसभा क्षेत्र में विधायक ईश्वर खंडे द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए विधानसभा क्षेत्र के अतरगा गांव के सबसे बड़े परिवार लगभग 40 परिवारों के कई भाजपा नेता आज भाजपा छोड़कर ईश्वर खंडे की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विधायक ईश्वर खंडे ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ರೈತರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 50,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈತ ಭವನ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರಲಿ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನಿವತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक की सत्ता पर काबिज भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य सचिवालय को गंदा कर दिया है, जब वो सत्ता में वापसी करेंगे तो राज्य सचिवालय को गौमूत्र से साफ करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हैं, इसलिए अब उन्हें जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो राज्य सचिवालय को डेटॉल से साफ किया जाएगा, गौमूत्र से भी सचिवालय को साफ किया जाएगा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की जाएगी। डीके शिवकुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी पर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और लोकायुक्त से शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरामैया सरकार में टेंडर शेयर प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितता बरती गई, साथ ही सिद्धरामैया सरकार में किए गए 35,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में भी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं।
जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना ने दावा किया है कि पार्टी नेताओं ने उन्हें आगामी कर्नाटक चुनाव में हासन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि उन्हें बहनोई और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि मई में होने वाले चुनाव से पहले लोगों को भेजे जाने वाले संदेश को ध्यान में रखते हुए पार्टी इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। हासन जिला पंचायत की पूर्व सदस्य भवानी रेवन्ना कुमारस्वामी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की पत्नी है। उन्होंने कहा, पिछली बार हासन एकमात्र तालुका था जो हासन जिले से भाजपा के पास था, इसलिए वहां कई कार्य और परियोजनाएं लंबित हैं। 90 दिनों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, इसलिए चर्चा हुई है और जेडीएस ने मुझे हासन से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। सोमवार को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। तेलंगाना के मेदक जिले में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 6 साल की बच्ची और एक महिला समेत मां बेटी जिंदा जल गईं। मंगलवार की रात घर में गलती से गैस सिलेंडर फट गया जिससे आग लग गई। महिला और उसकी 6 साल की बेटी आग की लपटों में गिर गए और जिंदा जल गए। विस्फोट से घर तबाह हो गया। शवों की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान 56 वर्षीय अंजुमन और 6 वर्षीय माधुरी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से देश भर में खूब सुर्खियां बटोर रही है। अब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की हवाएं तेज हो गई हैं। इसी मसले पर चर्चा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सहकारी चीनी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में एकनाथ शिंदे और फडणवीस साथ मिले। चीनी क्षेत्र की बैठक में शामिल हुए भाजपा के दो नेताओं ने कहा, शिंदे और फडणवीस ने शाह के साथ अलग बैठक की। बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगा। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने इस बार सैनिकों को सलाम करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस 2023 के इस मौके पर सरकार ने देश भर से कुल 901 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। यही वजह है कि पुलिस कुल 140 लोगों को वीरता, 93 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 668 कर्मियों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिन 140 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है, उनमें से 80 पुलिसकर्मी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं। इनमें से 48 लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से आते हैं। वहीं इन 140 लोगों में से 31 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र से, 25 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर से, 9 झारखंड से और शेष 7 पुलिसकर्मी अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कॉलेज कैंपस में दिखाया जाना था, लेकिन प्रसारण से आधे घंटे पहले कैंपस की बिजली काट दी गई। बता दें कि यूट्यूब और ट्विटर पर से सरकार के आदेश के बाद डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया गया है। आधी रात के बाद बिजली बहाल हो गई थी। जेएनयू वीसी
संत श्री शांति श्री पंडित और यूनिवर्सिटी रेक्टर एक सतीश चंद्रा गरकोटी ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उप रजिस्ट्रार रविकांत सिन्हा ने कहा कि वो टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमें जेएनयू वीसी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा बताया गया है कि ये एक बड़े पैमाने पर बिजली की विफलता है जिसने परिसर के एक तिहाई हिस्से को प्रभावित किया है। बिजली काटने का कोई जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढहने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुधवार को मंडलायुक्त की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब की अगुवाई वाली इस समिति में लखनऊ के संयुक्त पीयूष मोडिया तथा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये समिति इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। पिछले करीब 15 घंटे से जारी बचाव अभियान के दौरान इमारत के मलबे से अब तक 14 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 अन्य के फंसे होने की आशंका है। प्रशासन ने इस मामले में अपार्टमेंट के बिल्डर और भवन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस बीच प्रशासन ने अलाया अपार्टमेंट में बिल्डर और भवन मालिकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बुधवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। अब तक वहां 1 फुट से लेकर करीब 3 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। कबायली जिला लाहौल स्पीति में दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ बर्फबारी देखने को मिल रही है। सीजन की ये पहली बर्फबारी है जो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बर्फबारी के चलते केलांग मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 समेत घाटी के सभी सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी से जहां एक और लंबे समय से सूखा खत्म हुआ है, वहीं किसान व बागवानों ने इस बर्फबारी को सिर आंखों पर बिठाया है। बर्फबारी नहीं होने से किसान और बागवानों के माथे पर चिंता की मोटी लकीर खींच गई थी। इस बर्फबारी से उन्हें थोड़ी राहत पहुंची है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पहले ही 26 जनवरी तक लाहौल स्पीति में मौसम खराब रहने और भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। जिला प्रशासन ने इसी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करते हुए अनावश्यक यात्रा नहीं करने और अपने घरों के भीतर सुरक्षित रहने की सलाह दी है। चीन को आड़ बनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर चीन पिछले कुछ सालों से आगे दिख रहा है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारे सैनिक बहादुर हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि चीन को कड़ा जवाब दिया जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने क्या किया है। केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हम चीन से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, चीन को और अमीर बना रहे हैं। चीन हमारे ही पैसों से हथियार खरीद रही है और हमारे ऊपर हमला कर रहा है। हम वो चीजें खरीद रहे हैं जो भारत में भी आसानी से बन सकती हैं। हम अपने देश के बच्चों का रोजगार चीन को दे रहे हैं। मंगलवार की रात मथली तल इलाके में 4-5 दिनों पहले पुलिस पर हमले के आरोपी को पकड़ने गई पटना के बाईपास थाने की पुलिस को उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एक चाय बेचने वाले पीकू कुमार को गिरफ्तार किया तो स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। आरोप है कि पुलिस ने हंगामे को शांत करने के लिए कई राउंड फायरिंग की, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। पीकू कुमार की गिरफ्तारी से भड़के स्थानीय लोग सड़क पर टायर जलाकर हंगामा करने लगे। लोग इतने गुस्से में थे कि बाईपास थाने का घेराव करने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने आई महिलाओं और लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार पठान आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट थी वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। फैंस अपनी टिकटें, फिल्म से सीन्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं और शाहरुख के प्रति अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। शाहरुख ने इस फिल्म के जरिए बतौर लीड एक्टर 4 साल बाद वापसी की है। फिल्म के एक टीजर और ट्रेलर में शाहरुख खान का बिंदास एक्शन आप लोग देख चुके हैं। अब पूरी तरह से अपनी कुर्सी की पेटी बांधने की बारी है क्योंकि तूफान चुका है। पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध किया। विरोध के बाद शो को रोक दिया गया। पटना वेद विद्यालय के बाहर भी छात्रों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र और हिंदू संगठन के लोगों ने पठान फिल्म के पोस्टर जलाए। बिहार के कई जिले में भी पठान फिल्म का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक मामले में अभिनेत्री राखी सावंत को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम सुरक्षा की अवधि को 1 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। एक मॉडल ने कथित तौर पर उसका अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित और प्रदर्शित करने के लिए राखी सावंत के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। सावंत ने सोमवार को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति MS कार्निक की एकल पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। मॉडल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मंगलवार को हस्तक्षेप याचिका दायर करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सावंत को समय देते हुए मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मनाकिली ग्राम में बीजेपी कार्यालय में KSIIDC के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदारे ने भाजपा विधि समिति की बैठक का किया उद्घाटन। भालकी विधानसभा क्षेत्र के अतरगा गांव के लगभग 40 परिवारों के कई भाजपा नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी ने सचिवालय को गंदा किया, सत्ता में आने पर गौमूत्र से सफाई करेंगे, कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिव कुमार ने ये बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर JNU में हाई प्रोफाइल ड्रामा, कैंपस में रात को बत्ती गुल, पत्थरबाजी। लखनऊ में गिरी बहुमंजिला इमारत मामले में जांच समिति गठित, बिल्डर पर मुकदमे का दिया गया आदेश। सफेद चादर से ढका हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति, लगातार दूसरे दिन हो रही है बर्फबारी। KP News में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।